पलवल के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ व महिला के साथ भी धक्का मुक्की हुई। मारपीट की वारदात की वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। हथीन गेट पुलिस चौकी पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत की जाँच कर रही है। जांच अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गेलपुर गांव निवासी गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रविवार की रात को गांव में परिवार के ही सदस्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में उनके पिता घायल हो गए तो वह अपने पिता को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब डॉक्टर उनके पिता का उपचार कर रहे थे, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए और उक्त लोगों ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में घुसकर उसके पिता पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। अस्पताल में उक्त लोगों द्वारा एकाएक घायल कर हमला करने और वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भगदड़ मच गई। स्वास्थ्य कर्मियों व वहां मौजूद अन्य लोगों ने जब उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद इसकी सूचना डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस और मामले को शांत करा दिया। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिला नागरिक अस्पताल में अक्सर होने वाले झगड़ों को देखते हुए यहां एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, लेकिन जब अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में झगड़ा हुआ तो उस समय अस्पताल में बनी पुलिस चौकी की पुलिस आखिरकार कहाँ गई थी, यह भी पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। वहीं इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने शिकायत दे दी है। शिकायत पर जल्द ही वीडियो की जांच कर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में है, एक ही परिवार के हैं, इनका कोई जमीन पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा है जो हमने पता लगा है। तो हम मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो वहां पर ये दोनों पार्टी आपस में अपना मेडिकल मुलाजा करवाने के लिए आए हुए थे, तो दूसरी पार्टी ने वहां पर उसके साथ मारपीट की। जो वहां पर मारपीट करी है कोई उसकी खास इंजरी नहीं है, सिंपल ब्लंट चोट है। डॉक्टर साहब से हमने मौके पर हम पहुंच गए थे तो पार्टी ने दरखास्त देने से मना कर दिया था। मौके पर ये कह दी थी हम खुद चौकी में आकर दरखास्त देंगे। कल शाम को उन्होंने दरखास्त दी है, आज के लिए दोनों पार्टियों को टाइम दे रखा है, जैसे ही आएगा निष्पक्ष जो होगी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी है इसमें? उसमें सर हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में जी एक को चोट लगी है, एक चोट है, पैन है वो भी। अच्छा, एक चोट है हमारे एरिया की, पीछे इनकी वहीं पे गांव में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हमारे एरिया में नहीं आता। लड़ाई करने वाले कितने लोग थे? लड़ाई यहाँ पे लड़ाई करी है वो दो तीन लड़के थे जिन्होंने डॉक्टर के कैबिन में जाकर ने उस दूसरी पार्टी से मारपीट, पहले उन्होंने खुद की अपनी MLR कटवाई है, उसके बाद दूसरी पार्टी की जब MLR कटने लगी जब उनका आपस में फिर विवाद हो गया। गांव में है, एक ही परिवार के हैं, इनका कोई जमीन पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा है जो हमने पता लगा है। तो हम मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो वहां पर ये दोनों पार्टी आपस में अपना मेडिकल मुलाजा करवाने के लिए आए हुए थे, तो दूसरी पार्टी ने वहां पर उसके साथ मारपीट की। जो वहां पर मारपीट करी है कोई उसकी खास इंजरी नहीं है, सिंपल ब्लंट चोट है। डॉक्टर साहब से हमने मौके पर हम पहुंच गए थे तो पार्टी ने दरखास्त देने से मना कर दिया था। मौके पर ये कह दी थी हम खुद चौकी में आकर दरखास्त देंगे। कल शाम को उन्होंने दरखास्त दी है, आज के लिए दोनों पार्टियों को टाइम दे रखा है, जैसे ही आएगा निष्पक्ष जो होगी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी है इसमें? उसमें सर हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में जी एक को चोट लगी है, एक चोट है, पैन है वो भी। अच्छा, एक चोट है हमारे एरिया की, पीछे इनकी वहीं पे गांव में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हमारे एरिया में नहीं आता। लड़ाई करने वाले कितने लोग थे? लड़ाई यहाँ पे लड़ाई करी है वो दो तीन लड़के थे जिन्होंने डॉक्टर के कैबिन में जाकर ने उस दूसरी पार्टी से मारपीट, पहले उन्होंने खुद की अपनी MLR कटवाई है, उसके बाद दूसरी पार्टी की जब MLR कटने लगी जब उनका आपस में फिर विवाद हो गया।